हे व्हाट्सअप गाइस, वी आर बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो पोको M3 डिवाइस है, इसमें ना तो कोई चार्जिंग लाइट देखने को मिलती है, ना ही कोई नोटिफिकेशन LED लाइट देखने को मिलती है। बट मैंने अपने पोको M3 डिवाइस में चार्जिंग लाइट और जो नोटिफिकेशन LED लाइट है वो इनेबल कर ली है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। अगर आप भी इनेबल करना चाहते हो तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बता दूंगा कैसे आप भी इनेबल कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अभी मैं आपसे एक बता देता हूँ कि कैसे आप अपने पोको M3 डिवाइस में चार्जिंग लाइट और नोटिफिकेशन LED लाइट को इनेबल कर सकते हो। तो देखो गाइस, अगर आप नोटिफिकेशन लाइट और चार्जिंग लाइट को इनेबल करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपने स्मार्टफोन में, जिसका नेम हो जाता है नोटिफाई बड्डी। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली जो है इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे से आप इजीली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, देन आपको इसको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करोगे गाइस तो आपसे ये जो है कुछ परमिशंस के लिए बोलेगी, तो सारी परमिशंस आप इसकी अलाउ कर देना, मैं कर देता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर टिक है, इस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस, यहाँ पर आपके सामने जो आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन है, सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, जो सिस्टम एप्लीकेशन है या फिर जो आपने इंस्टॉल किए हैं, सारी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, उन्हीं एप्लीकेशंस को आपको सेलेक्ट करना है जिसकी आप नोटिफिकेशन चाहते हो, ठीक है। जो नोट अगर आप चाहते हो कि मैसेज आए उसमें, तो जो आपकी नोटिफिकेशन LED लाइट है वो आपकी ब्लिंक करे, है ना, तो उन एप्लीकेशंस को आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो, मैं फॉर एग्जांपल फेसबुक मैसेंजर और यहाँ पे व्हाट्सअप को सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। व्हाट्सअप किधर गया भाई, ये रहा, अरे बैक आ भाई, बैक वे बैक आ यार। हाँ, तो देखो ये मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिए। अभी आपको बता दूँ, यहाँ पे सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। एंड क्लिक करने के बाद गाइस, आपको नीचे आना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो चार्जिंग इंडिकेटर, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा पे और गेट इट फॉर फ्री, है ना, तो लर्न मोर पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाय प्रीमियम, तो मैं आपको बता दूंगा ये जो फीचर है ये प्रीमियम फीचर है ना, जो चार्जिंग लाइट है या नोटिफिकेशन लाइट वगैरह है उसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको इसका जो प्रीमियम है यानी कि पैसों से आप जो है इसको यूज कर सकते हो ना। बट मैं आपको बता दूं, इसको आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। कैसे, सिंपली आपको यहाँ पर एक वॉच ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको जो है ये एक ऐड दिखाएगा। एंड ऐड अगर आप वॉच कर लेते हो तो आप ये सारे फीचर्स फ्री में यूज कर पाओगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, सिंपली आपको एक ऐड वॉच कर लेना है, 15-20 या 30 सेकंड का ऐड आता है और वॉच कर लेना ऐप, सब चीज आपको जो है फ्री में देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, ऐड जो हमने वॉच कर लिया, अभी मैं आपसे इसको दिखा दूं, अगर आप अब इसको एनेबल करते हो ना तो यहाँ पर जो देख सकते हो एनेबल हो जाता है, एक सेकंड, एनेबल हो जाता है। गाइस, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, LED साइज, चार्जिंग कलर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो है LED साइज, यानी कि आपको कितना बड़ा जो है LED का साइज चाहिए, देखना चाहते हो, है ना, तो वो आप जो है यहाँ पर सेट कर सकते हो, तो वो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। बाकी यहाँ पर आपको किस टाइप का यहाँ पर जो है कलर चाहिए जब चार्ज हो आपका स्मार्टफोन, तो रेड कलर चाहिए LED लाइट में, या फिर कोई भी कलर आप जो है जो आपको अच्छा लगे वो आप इनेबल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो है देखो, अगर आपका स्मार्टफोन 0 से 90% के बीच में तो यहाँ पर रेड कलर होगा, अगर आप चाहते हो 90 से 99% के बीच में आपका जो है ब्लू रहे तो आप ब्लू सेलेक्ट कर सकते हो, और फुल चार्ज पर अगर आप चाहते हो ग्रीन रहे तो आप ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आपका फेवरेट कलर हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को जो है चार्ज करके दिखा देता हूँ एक बार, है ना। तो यहाँ पर एक सेकेंड, सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो जो चार्जिंग लाइट है वो हमारी इनेबल हो चुकी है। एंड यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर, यहाँ पर जो है रेड कलर की जो LED लाइट है वो हमें देखने को मिल जाती है ना। सो गाइस, अभी हमने चार्जिंग लाइट की बात तो कर ली, अभी हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन लाइट की। तो फिर से चलते हैं हम एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में जाना है, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा LED शेप का, है ना। सो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अभी देखो ये जो है डिफॉल्ट यानी जो सर्कल वाली जो लाइट है उस पर सेट है ना। अभी आपको जो है काफ़ी सारी शेप मिल जाएंगी, जो भी आपको अच्छी लगे उस पर आप सिंपली क्लिक कर देना। जैसे मुझे एवेंजर वाला काफ़ी बढ़िया लग रहा है, वैसे आपको काफ़ी सारी शेप मिल जाएंगी। जो भी आपको आइकन वगैरह पसंद आए उसको आप सेलेक्ट कर लेना, है ना। तो मैंने एवेंजर वाला कर लिया, अभी सिंपली आपको बैक करना है।
है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पोजीशन एंड एलईडी साइज, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हो एवेंजर का लोगो आ गया, बट काफ़ी छोटा सा है ना, तो सिंपली मैं आपको बता दूँ क्या करना है, आपको जो ये साइज है ना इसको 120 कर देना है। इसको 120 कर दोगे तो देख सकते हो लिटरली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और इसको आप जो है यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर कोने में रखोगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा, वैसे आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पर भी अच्छा लगे वो वहाँ पर आप जो है सेट कर सकते हो ना। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सही लग रहा है, अभी जो है मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक बार, टेस्ट पे अगर आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह का, आपको जो है जब आपके पे नोटिफिकेशन आएगी तो कुछ इस तरह से ये जो है ब्लिंक करेगा, है ना, देख सकते हो, देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है ब्लिंक कर रहा है ना। एक काम और कर लेना गाइस आप लोग, ये वाला जो ब्लिंक इंटरवल है ना, ये वाला 3 पे सेट होगा आपका, इसको आपको 2 कर लेना है, मैंने ऑलरेडी 2 कर रखा है ना, जिससे कि जो है थोड़ा जल्दी जल्दी ब्लिंक करेगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। मैं जो है अपने दूसरे फ़ोन से तो इसमें मैसेज सेंड करके आपको दिखाता हूँ एक बार, है ना। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन लाइट है वो ब्लिंक करने लगी है, मैंने अभी मैसेज जो है सेंड किया है इसमें, ठीक है, और अरे भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना नोटिफिकेशन लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। अभी मैं आपको मैसेज भी दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैसेज है वो हमने सेंड किया अभी, है ना, तो नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक कर रही है। और ऐसे ही आप भी जो है चार्जिंग लाइट और जो यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट है उसको एनेबल कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू, लिंक मैंने इस एप्लीकेशन के इन डिस्क्रिप्शन दे दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस वॉच करने के लिए। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।